हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सीरियल किलर मूवीज़ के बारे में। तो स्वागत है आपका मेरे चलन मूवीज़ फैन पर। नंबर 10 पर मूवी आती है स्नोमैन, जो कि रिलीज़ हुई थी 2015 में और इसे IMDb द्वारा 10 में से 5.1 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में हैरी होल सर्दी की पहली बर्फ़ पर एक महिला के गायब होने की जाँच करता है और तभी वह महसूस करता है कि यह मामला स्नोमैन से जुड़ा हो सकता है। अब इसके बाद आगे क्या होता है आपको यह मूवी में देखना होगा। नंबर नौ पर मूवी आती है डिटॉक्स, जो कि रिलीज हुई थी 2002 में और इसे IMDb द्वारा 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में FBI एजेंट जेक मोलॉय एक सीरियल किलर द्वारा हुई उसकी पत्नी की मौत से उभरने के लिए कानून प्रवर्तक अधिकारियों के एक विशेष क्लिनिक में भेजा जाता है, जहाँ के मरीजों में एक सीरियल किलर होता है जिनका उन सबको पता नहीं होता और वह एक एक सबको मारने लगता है। नंबर आठ पर मूवी आती है वुल्फ क्रीक, जो कि रिलीज हुई थी 2005 में और इसे IMDb द्वारा 10 में से 6.2 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में कुछ पर्यटक दोस्तों की कार ऑस्ट्रेलियाई जंगलों में खराब हो जाती है तो वे सब एक स्थानीय व्यक्ति की मदद मांगते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता कि यह आदमी एक सीरियल किलर है जिसके बाद वह सबको एक एक करके मारने लगता है। अब मूवी में लास्ट तक देखना होगा कि वह दोस्त उस सीरियल किलर से बच पाते हैं या नहीं। नंबर सात पर मूवी आती है सूलेस, जो कि रिलीज हुई थी 2015 में और इसे IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में एक FBI एजेंट खतरनाक कातिल का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए एक मनोचिकित्सक की मदद लेता है। हालांकि हालात बदलते हैं जब पता चलता है कि कातिल उससे भी तेज है। अब मूवी में लास्ट तक देखना होगा कि क्या वह उस कातिल को पकड़ पाते हैं या नहीं। नंबर छः पर मूवी आती है सीक्रेट विंडो, जो कि रिलीज हुई थी 2004 में और इसे IMDb द्वारा 10 में से 6.6 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में एक लेखक एकांत खोजने के लिए अपने झील के किनारे के कैबिन में जाता है, जहां एक सीरियल किलर उसे अपने काम की चोरी के लिए दोषी मानता है और उसकी बात नहीं सुनने पर वह एक एक करके उसके जानने वालों को मारने लगता है। और इस मूवी की एंडिंग आपको चौंकाने वाली है। नंबर पाँच पर मूवी आती है द रेवन, जो कि रिलीज हुई थी 2012 में और इसे IMDb द्वारा 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में कवि और लेखक एडगर एलन पो से पूछताछ की जाती है जब एक हत्यारा भयंकर हत्याएं करना शुरू करता है जो एलन की कहानियों से प्रेरित लगती है। चीजें बदलती है जब पो की प्रेमिका हत्यारे का निशाना बन जाती है। अब मूवी में लास्ट तक देखना होगा कि क्या वह उस हत्यारे का पता लगा पाएंगे। नंबर चार पर मूवी आती है द बोन कलेक्टर, जो कि रिलीज हुई थी 1995 में और इसे IMDb द्वारा 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में एक लखवाक्रस जासूस लिंकन को एक सीरियल किलर को पकड़ने का मामला सौंपा जाता है, जो अपने शिकार का अपहरण करके उन्हें क्रूरता से मार देता है, लेकिन वह किलर लिंकन और उसके सहयोगी के लिए सुराग छोड़ देता है। नंबर तीन पर मूवी आती है फॉलन, जो कि रिलीज हुई थी 1998 में और इसे IMDb द्वारा 10 में से 7 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में एक जासूस जॉन होब्स एक सीरियल किलर एडगर रीज की हत्या को अंजाम देता है, लेकिन उसके बाद फिर से हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है और वह भी एडगर रीज द्वारा की गई हत्याओं की तरह ही हो रही होती है। नंबर दो पर मूवी आती है रेड ड्रैगन, जो कि रिलीज हुई थी 2002 में और इसे IMDb द्वारा 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में एक FBI एजेंट को एक सीरियल किलर को पकड़ने का काम सौंपा जाता है, जिसके लिए वह डॉक्टर हैनिबल लेक्टर जो एक सीरियल किलर होते हैं उसकी मदद लेता है। अब मूवी में लास्ट तक देखना होगा क्या डॉक्टर हैनिबल लेक्टर उसकी मदद करते हैं या नहीं। नंबर वन पर मूवी आती है सेवन, जो कि रिलीज हुई थी 1995 में और इसे IMDb द्वारा 10 में से 8.6 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में एक पेशेवर हत्यारा सात पापों के आधार पर लोगों की हत्या कर रहा है। दो जासूस को अपराधी को पकड़ने का कार्य सौंपा जाता है, जिसमें इसे एक शहर में नया है। अब मूवी में लास्ट तक देखना होगा क्या वह उस हत्यारे को पकड़ पाएंगे या नहीं।